दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई 5 बजे उठ गया था और टाइम हो गया भाई 5:45 का, तो कोशिश है अभी जल्दी से नहा धो के 6:15 तक मैं निकल जाता हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई जल्दी रेडी होता हूँ। ठीक है मम्मी, ओके भाई, यात्रा सफल हो, चाय पी लो आप, हैप्पी जर्नी। निकल गया हूँ दोस्तों, 6:15 का टाइम हो गया भाई, ये हमारी गाड़ी रहेगी। सो भाई अपनी जर्नी हो गई है शुरू और भगवान की आरती वारती लगा ली है। ज़्यादा भाई अब ड्राइविंग के टाइम पे व्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं, मम्मी ने भाई अपना मतलब मेरे से कसम लेके भेजा हूँ कि वो, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ ना पीछे तो उसकी वजह से अभी तक थोड़े से भाई घबराए हुए टाइप है। एक और जो दोस्तों अपडेट है वो ये है कि अभी खाना वाना तो भाई खा के नहीं निकले हैं, सुबह सुबह जल्दी आ गया था, प्लस में मौसम बहुत बढ़िया है यार। देखो हल्की हल्की फुहार वगैरह भी हो रही थी अभी, तो आई विल कंसिडर इट कि बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग हमारे दिन की। तो भाई आज की हमारी फर्स्ट लोकेशन है असली शिकंजी, जैन शिकंजी वाला। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश अप हो गए और शिकंजी पी के भाई निकलते हैं फिर अपना। सो गाइस, अपनी शिकंजी और शिकंजी मसाला दोनों ले लिया भाई, अब अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे ख्याल में ना नया ही खुला है यहाँ पे, जैन शिकंजी रेस्टोरेंट है इनका। दोस्तों ये ना मैंने टेक अवे ही करा ली शिकंजी ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं। पिछली बार मैंने भाई वैष्णो देवी जाते हुए बहुत टाइम वेस्ट किया था खाने पीने में, तो इसको रख के और चलते हैं फिर। अब सो भाई आज का हमारा ब्रेकफास्ट ये रहा, माँ के हाथ के परांठे। सो गाइस बीच में एक छोटा सा हॉल्ट लिया था, गाड़ी एकदम से भाई गर्म हवा फेंकने लगी, मतलब ठंडी हवा नहीं फेंक रही थी, वहाँ गाड़ी है तो यहाँ एक ये मिली है कार वाले, तो शायद कूलेंट ख़त्म होगा, बाकी अब ये देखेंगे भाई क्या बताते हैं भाई। ये दो एक्टर एक्टर नहीं और मरे पाए हैं भाई, सुसाइड अटेम्प्ट है। भाई गाड़ी तो अभी ठीक हुई नहीं, समय हो गया 1:30 का पूरा, ठीक है। तो भाई जब तक बीच में अपनी दही वगैरह पीनट वगैरह खाएंगे, क्योंकि खाया भी कुछ नहीं था सुबह से। सो गाइस एसी वाली प्रॉब्लम तो हुई नहीं ठीक हमारी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है और यहाँ पे वो काम हो नहीं रहा, और मेरा टाइम भी भाई बहुत यूज़ हो गया। तो अब मैं भाई ऋषिकेश ही जा रहा हूँ, खिड़की विड़की खोल के वहाँ जाके इसको ठीक करवाऊँगा, प्लस में नहीं तो मेरी आज जो बुकिंग्स हैं एक्टिविटीज़ हैं वो भी वेस्ट हो जाएगी, तो बेटर है भाई चलता हूँ फिर वहाँ जाके देखते हैं क्या होगा। सो गाइस पहुँच गया हूँ मैं फाइनली ऋषिकेश, और अब यहाँ पार्किंग में लगा दी कार, राफ्टिंग के लिए जा रहा हूँ डायरेक्ट। सो भाई मैंने कर लिया चेंज और राफ्ट वाली गाड़ी में बैठ गया, फ़ोन इन्होंने बोला है कि अलाउड है और गाड़ी की चाबी है। बाकी भाई अभी और भी लोग आ रहे हैं क्योंकि मैं तो सोलो हूँ, तो जब सब लोग आ जाएंगे, 7-8 लोग हैं, तो सब के आने के बाद चलेगी राफ्ट, और फिर आपको राफ्टिंग का दिखाता हूँ। मैंने संडो पहन ली भाई अपनी। तो भाई फाइनली पहुँच गए हैं अपना जो राफ्टिंग की लोकेशन है, ये हमारी भाई कार है, ये हमारे आज सहयोगीज हैं, सारे छोटे हैं मुझसे भाई सबसे बड़ा। तो भाई आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है, पक्की बात है ना, घबराओगे तो नहीं? घबराने वाला तो काम ही नहीं करते सर। आप मत घबराना। Are you ready? आप मत घबराना। चलो भाई चलते हैं, चप्पू भी उठा लिया अपना। भैया जी फुल चिल फन कराना आज। ले भाई भैया सेट कर लिया पहले ही, और अपना हथियार भी आ गया भाई, अब चलते हैं। ये भाई सारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं भाई, सारे बच्चे हैं, सबको अच्छे से करानी पड़ेगी अब आज, फर्स्ट टाइमर। तो भैया आ गई है हमारी बोट हिमालयन एडवेंचर,
और वो रही गंगा रिवर। फुल व्लॉगिंग चल रही है यहाँ भाई, काफ़ी अच्छा प्रेशर है आज पानी का। और दो दिन के बाद भाई राफ्टिंग भी बंद है यहाँ पे, 30th तक राफ्टिंग है, इसलिए मैं भी आया था आज। और डायरेक्ट भाई बिना खाए पिए कुछ भी मैं सीधा राफ्टिंग के लिए आ गया हूँ, और अभी राफ्टिंग के लिए चल रहे हैं भाई। तो गाइस टाइटैनिक लगा दिया अभी कोने पे, और ये देखिए गंगा नदी का बहाव। ये भैया कितने किलोमीटर वाली हमारी? ये हमारी 9 किलोमीटर वाली। 9 किलोमीटर सोनीपत से चला, वो लोग कह रहे थे 12 किलोमीटर है, यहाँ पहुंचा बोले 10 किलोमीटर है। लोकेशन पे पहुंचे क्या भाई? 9 किलोमीटर है। यहाँ पे पॉइंट ही 4 है ना, एक 9 है, एक ये 9 किलोमीटर है, बाकी सब बंद है। 16 भी बंद है। बंद क्यों है? वहाँ पे पानी ज्यादा है, ये वाटर लेवल बढ़ गया ना। अच्छा, देख सकते पूरा ही कलर चेंज हो रहा है इसका। और अगर राफ्टिंग आना हो तो भैया सबसे बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम है भैया मार्च अप्रैल में आओ। तो आज का ड्राइवर कौन है भैया? ड्राइवर दोनों ड्राइवर हैं, एक आगे का ड्राइवर एक पीछे का। आप किसके भरोसे कर रहे हो आज राफ्टिंग? आप भी यार स्ट्रॉन्ग बंदा देखा नहीं, हेल्प वाले पहले आ जाते हैं, है ना भैया? जो जो कप्तान है राफ्ट का उससे कोई नहीं हेल्प मांग रहा। कहाँ से आप लोग? हरियाणा। मैं सोनीपत है। ले भाई हरियाणा वाला की बातें नहीं आ रही है भाई। चलो आप लोग अपना पैडल सही से होल्ड कर लो। अब भाई फोन अंदर रख देता हूँ। उतना अच्छा स्पीड पकड़ेगा वो, और जब लहर आएगा लहर में आपने डरना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, चलाते ही रहना है एक साथ। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use. So guys, kaisa raha aapka experience? Bahut acha. Maza aaya na? Ab sare channel subscribe karna hai. कैसा रहा छोटे भाई? नाम बताओ। अतुल दिया व्लॉग्स, नाम तो सुना ही होगा अब। हाँ बिल्कुल। भाई अब राफ्टिंग के बाद नींबू पानी जरूरी है। सुबह अभी राफ्टिंग के बाद मैं आ गया हूँ चाय सुट्टा बार पे, और क्या खाएंगे भाई अपना। तो भाई अपना आ गया खाना खाके निकलते हैं। सो गाइस अभी हम चलते हैं होटल। पार्किंग का तो भाई बहुत स्कैम है यहाँ पे, 200 रुपये है पार्किंग के ना, 200 रुपये लेते हैं बस पार्किंग करने के। तो ठीक है दोस्तों, अब जे लेके चलता हूँ आपको अपने होटल में, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है भाई। चलो गाइस चलते हैं अब होटल।